यूं तो 200 रुपए का नोट आरबीआई महीनों पहले लॉन्च कर चुका है, लेकिन अभी तक ये नोट आपको मार्केट में नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों तक ये नोट पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि इसको एटीएम से मुहैया कराए, जिससे ये नोट आम लोगों तक पहुंच सके। खबर के मुताबिक जो लोग इस कवायद में जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि इसके लिए बैंकों पर 110 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके आप बैंकों के एटीएम में 200 रुपए के नोट डाल दें, क्योंकि लोगों को बड़े नोटों के बजाय छोटे नोटों की ज़रूरत है। जानकारी के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 5-6 महीने लग सकते हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी के वक्त सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 1000 के बड़े नोट को बंद किया था, लेकिन बाद में 2000 का नोट लाया गया। ज़्यादा लोग निकाल रहे हैं अब एटीएम से पैसे। आंकड़ों से पता चलता है कि एटीएम से पैसे निकालने का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। सितंबर 2006 में एटीएम से 2.44 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि सितंबर 2017 में यह बढ़कर 2.44 लाख करोड़ पहुँच गया था। 8 नवंबर 2017 के मुकाबले 95% करेंसी मार्केट में आ गई है और यह वर्तमान में 17 लाख है। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।